बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल इन सेल। अब टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्यों? The term endo represent to inside, while the word plasm mean fluid or cytoplasm, and reticulum means network or channel. अब अगर हम इसको टिपिकली यूं बोलें, the network inside cytoplasm is known as endoplasmic reticulum, तो वो भी ठीक है, लेकिन इसकी अगर proper definition करें तो network आर द चैनल ऑफ मेम्ब्रेनियस टिब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पे हमारे पास नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस टिब्यूल्स, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी अपेयरेंस लाइक अ चैनल, लाइक अ नेटवर्क होगी। कंपोजिशन में ये आपके पास मेम्ब्रेनियस टिब्यूल्स होंगी और प्रेजेंट होंगी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, द मेम्ब्रेन्स कंपोजिशन इज लिपोप्रोटीन एंड कंजुगेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन्स जितनी भी आपके पास सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइज्ड करेंगी, उसको टिपिकली कहा जाता है बायो मेम्ब्रेन्स। अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन, कि ये किसी भी सेल में कैसे फॉर्म, कैसे अराइज्ड, कैसे ओरिजिनेट होता है, तो एज सच प्रॉपर ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट कंफर्म्ड। बट अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ पैलेट, जिसने राइबोसोम डिस्कवर किए थे पैलेट इन 1960, ही ऑब्जर्व दैट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूस चैनल विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ये कंटिन्यूसली अराइज्ड होता है, तो अकॉर्डिंग टू पैलेट द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट नंबर पे हिस्ट्री, इन हिस्ट्री ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्म एर्गेस्टोप्लाज्म। एर्गेस्टोप्लाज्म टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉर्नियर इन 1897। अगेन लेटर ऑन इन 1945 काइट आर पॉटर फर्स्ट टाइम प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द लिवर सेल। तो फर्स्ट टाइम चूंकि प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल हुई, और वो की आर पॉटर ने, इसलिए सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय आर पॉटर इन लिवर सेल्स। बट द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर पॉटर, बाय द आर पॉटर काइथ आर पॉटर, बट इन 1950, फाइव ईयर स्टडीज के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन साइड साइटोप्लाज्म। सो After that, he introduced the term endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum का अगर हम स्केच देखें, तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद है न्यूक्लियस। As you know that the nucleus is a bilayered structure. The inner layer symbolically represented by the black color, while the outer layer symbolically represented by the blue color. The inner layer protect to the nucleoplasm, while the outer layer synthesized or the continues with the endoplasmic reticulum. Therefore, we can say the origin of endoplasmic reticulum is nuclear membrane and the outer nuclear membrane layer. Now, अब हमारे पास ये जो channel है, हमने कहा था network, ये जो network channel है, this network channel is known as endoplasmic reticulum. अब उसके बाद next number पे occurrence, तो occurrence में बड़ी simple सी बात और straightforward सी है कि either present or absent.
इट एब्सेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्रोक्रियाटिक सेल्स बट इन सम यूक्रियाटिक सेल इट मे ऑल्सो एब्सेंट. फॉर एग्जाम्पल इन आरबीसीज, इन मेच्योर आरबीसीज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी एब्सेंट. नंबर टू, एग सेल आर ओवम, इन एग सेल आर ओवम ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट. एज यू नो दैट द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट एंड जाइगोट डिवेलप्ड इनटू एम्ब्रियोनिक सेल्स. सो टिल द एम्ब्रियोनिक सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अगेन एब्सेंट. एक्सेप्ट दीज यूक्रियाटिक सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन ऑल यूक्रियाटिक, इन एक्सेप्ट दीज यूक्रियाटिक सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन ऑल यूक्रियाटिक सेल्स. अब हमारे पास अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इनटू टू मेजर स्ट्रक्चर्स, नंबर वन सिस्टर्नी एंड नंबर टू सीथ. अब कॉमनली बहुत सारे लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर में सिर्फ सिस्टर्नी का डिस्कशन होता है. अब सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी आर द ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर विच फॉर्म नेटवर्क, विच फॉर्म नेटवर्क. ये जितना भी नेटवर्क बना हुआ है इन फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर, दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज सिस्टर्नी. अब सिस्टर्नी का डायमीटर, चूंकि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो इसकी मेम्ब्रेन का डायमीटर इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट जो है वो यीस्ट में अगर आप देखेंगे तो अप टू 30 नैनोमीटर, वाइल इन मेमेलियन सेल द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी इज अप टू 50 नैनोमीटर. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो है शीथ. शीथ आर द फ्लैटेंड सेक्स. दो चीजों में डिफरेंस करना है, सिस्टर्नीज आर द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर वाइल द शीथ्स आर द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स. सो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर सिस्टर्नीज आर थ्री डायमेंशनल पॉलीगोनल वाइल द शीथ्स आर बिकॉज ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल. अब हमने शीथ का जिक्र क्यों किया? बिकॉज शीथ इज द डेट रीजन, शीथ इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स. जब हम लोग बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, तो सो राइबोसोम्स आर अटैच्ड एट द पोजीशन ऑफ शीथ. व्हाई अटैच? बिकॉज ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन विच नोन एज ट्रांसलुकॉन्स. दिस ट्रांसलुकॉन इज दैट स्पेशल प्रोटीन विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसलेशन ऑफ ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये जो सिस्टर्नी मेजर पोर्शन है इसका ट्यूबुलर चैनल, दिस ट्यूबुलर चैनल सिस्टर्नी हेल्ड बाय द साइटोस्केलेटन. इस किसी भी सेल में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर यानी कि ट्यूबुलर चैनल को मेंटेन करने के लिए जो फिलामेंट्स होंगे, जो ट्यूब्यूल्स होंगी, वो होंगी साइटोस्केलेटन की. अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो टू टाइप्स, वेरी सिंपल, रफ एंड स्मूथ. रफ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम. दैट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाइल दैट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच फ्री फ्रॉम राइबोसोम सिंपली मीन्स दैट नो अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द आउटर मेम्ब्रेन या आउटर सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम टू टाइप्स में क्यों क्लासीफाई करते हैं? बिकॉज दीज बोथ टाइप्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन इन सेल. अब जब हम बात करेंगे फंक्शन इन सेल, तो नंबर वन सपोर्ट. सपोर्ट इनसाइड द सेल प्रोवाइड बाय द मल्टीपल कंपोनेंट्स. द सपोर्ट इनसाइड द सेल मे बी बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म, इट मे बी बिकॉज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट मे बी बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन.
अब सपोर्ट जो है वो क्यों, क्योंकि द अरेंजमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द सेल इज इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस नेटवर्क, सो इट एक्ट लाइक एज अ पिलर इनसाइड द सेल। ट्रांसपोर्ट नंबर टू। अब यहां पे हम दो चीजों का ट्रांसपोर्ट का जिक्र करेंगे, एक करेंगे ट्रांसपोर्ट इन टू सेल और दूसरा डिस्कस करेंगे इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। बोथ आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट इनसाइड टू सेल, हाउ ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ परमिएज एंड कैरियर प्रोटीन्स। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परमिएज एंड कैरियर प्रोटीन्स हैं विच अलाउड टू डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड एंडोसाइटोसिस इनसाइड टू सेल। नेक्स्ट नंबर पे, नंबर थ्री पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में दी मल्टीपल एंजाइम्स आर अटैक्ड ऑन द सरफेस या इनसाइड द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन का वो साइड जो टुवर्ड साइटोप्लाज्म है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक फेस, और वो साइड जो इंटरनली टुवर्ड्स ल्यूमेन है, जो इनसाइड टुवर्ड्स हॉलो स्पेस है, उसको सिस्टर्नी स्पेस या ल्यूमिनल स्पेस भी कहा जाता है। तो ऑन बोथ साइड, साइटोप्लाज्मिक साइड एंड ल्यूमिनल साइड, मल्टीपल एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। नंबर नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन सेल डिवाइड ड्यूरिंग डिवीजन फेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटीरियल अराउंड द क्रोमेटिन मटीरियल विल बी डिसॉल्व आर सिंपली डिसअपीयर, बट द रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड द जेनेटिक मटीरियल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर नेक्स्ट, नंबर फाइव, सिंबॉलिकली SPR आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द मसल सेल्स। अब मसल के लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज सार्को। वैसे तो मायो भी यूज होती है, लेकिन मसल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलिमा। मसल साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। एज लाइक दिस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन मसल साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म टू फंक्शन इन फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। नंबर वन, नर्व इंपल्स। इट रिसीव द नर्व इंपल्स फॉर ईदर मसल कंट्रिक्शन और रिलैक्सेशन। लेकिन एक बात याद रखनी है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज दीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री फ्रॉम राइबोसोम। सो मॉर्फोलॉजिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट द डिफरेंस इज दैट इट हैविंग कैपेबिलिटी या इट स्टोर टू कैल्शियम फॉर मसल मूवमेंट। हमारी जो मसल मूवमेंट होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस मिनरल का होता है दैट इज कैल्शियम। तो मसल मूवमेंट के लिए जो कैल्शियम स्टोरेज होगी वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्टोर करेगा। नंबर नेक्स्ट, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन या इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मल्टीपल एंजाइम विल बी सिंथेसाइज्ड। These enzymes will be translocated to the Golgi body and then from Golgi body to lysosome. So this type of transport inside the cell from endoplasmic reticulum to Golgi body or from Golgi body to lysosome known as intracellular translocation or transport. Ab inshallah aziz next cell organelle mein hum hypothesis padhenge. The origin of Golgi body is rough endoplasmic reticulum because the Golgi body formed by the pinching of buds of vesicles from endoplasmic and especially rough endoplasmic reticulum. Lekin woh inshallah next lecture mein details hai. Number next function, number 7, synthesis of lipid. It is specifically the function of a smooth endoplasmic reticulum.
Smooth endoplasmic reticulum is responsible for the metabolism of lipids or the synthesis of lipids. Multiple lipids will be synthesized, either triglyceride, either steroids. लेकिन मैंने स्पेशली स्टेरॉइड्स का मेंशन किया बिकॉज ऑफ टू मेन ऑब्जेक्टिव्स. नंबर वन, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन बाइल, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल बिकॉज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बाइल इज कोलेस्ट्रॉल व्हिच सिंथेसाइज्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लिपिड्स मीन्स स्टेरॉइड्स and steroids means hormones. Sex hormones or adrenal cortex hormones are chemically steroid. So in gonad cells, smooth endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of sexual hormones. अब अगर typically हम लोग बात करें तो sex hormones are synthesized in gonads, but sex hormones are synthesized in gonads बिकॉज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस. जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम. सो राइबोसोम्स आर द मेजर कंपोनेंट्स या मेजर कैटलिस्ट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. Rough endoplasmic reticulum provide platform to ribosome for protein synthesis, except RBCs. जैसे हमने अभी बात की कि RBCs में जो है वो endoplasmic reticulum नहीं है, तो in RBCs protein synthesis takes place from free ribosome, while in all other cell protein synthesis takes place by attached ribosome which are present in form of rough endoplasmic reticulum. Next, फंक्शन जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन. हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस टॉक्सिन्स प्रेजेंट है. दी टॉक्सिन्स विल बी डिटॉक्सिफाई इन लिवर सेल्स विच आर नोन एज कूपर सेल. कूपर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. इसलिए आप जितने भी टॉक्सिन्स या अल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स या जो भी आप जो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में होंगे उनका इफेक्ट डायरेक्ट लिवर पे पड़ता है. उसकी रीजन ये है कि बिकॉज लिवर सेल्स डैमेज ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोस इन ब्लड. मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोस इन बॉडी और ब्लड हाउ? Because these are specifically smooth endoplasmic reticulum is responsible for the conversion of glycogen into glucose. So which cell organelle is responsible for the maintenance of level of glucose in body or in blood? That is rough and smooth endoplasmic reticulum. यहां तक था endoplasmic reticulum. Hopefully आज आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा. फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इंशाल्लाह अजीज कमेंट सेक्शन में उसको आंसर किया जाएगा. आई होपफुल कि आप लोग जो है वो पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे. थैंक्स यू वेरी मच.